बंद लिफाफा खुलेगा, हार का विलन मिलेगा। यूपी में बीजेपी को मिली हार के बाद पार्टी में मंथन का दौर जारी है। लखनऊ में दो दिन से अलग अलग क्षेत्र के नेताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष मीटिंग कर रहे हैं। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हारे हुए उम्मीदवार बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को दे रहे हैं। सूत्रों की माने तो इस लिफाफे में संगठन और स्थानीय स्तर पर कई विधायकों की शिकायत की गई है। सवाल यह कि बीजेपी को यूपी में किसने हराया? यूपी में मिली हार के बाद बीजेपी में मंथन का दौर चल रहा है। लखनऊ के पार्टी दफ्तर में कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र के नेताओं और हारे उम्मीदवारों के साथ प्रदेश अध्यक्ष ने मंथन किया। इससे पहले गुरुवार को अवध क्षेत्र में मिली हार को लेकर चर्चा की गई। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है, बीजेपी में हार के विलेन की तलाश जारी है। हारे हुए प्रत्याशी अपने हाथों में बंद लिफाफे लेकर, जिसमें शिकायतों का पुलिंदा है, पार्टी प्रमुख तक पहुंचा रहे हैं। इसमें पन्ना प्रमुख, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, बूथ प्रमुख, इन सबकी शिकायतें भरी हुई हैं। बैठक के लिए पहुंचे नेताओं से एबीपी न्यूज के रिपोर्टर वीरेश पांडे ने कैमरे पर बात करने की कोशिश की। ज्यादातर नेताओं ने कैमरे से दूरी बनाई, लेकिन बांदा से चुनाव हारे पूर्व सांसद आर के पटेल अपने दर्द को छिपा नहीं सके और कह दिया कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। अपनों ने हमें लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम। सर क्या दर्द है? हमारे अपने लोग ही, बहुत सारे लोग जो अपने को भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने, सांसद बने, और वो उन्होंने जो है खुल करके और पार्टी का विरोध किया। मतलब लगता है कि जो अपने लोग थे, जो पार्टी के पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, नेता थे, उन्होंने आपका विरोध किया जिसकी वजह से हार हुई, ये दर्द। ऐसे लोगों ने अपनी एक टीम बना करके और जातिगत आधार पर बसपा से एक जाति का प्रत्याशी उतार करके और उसके साथ पूरे लोगों ने अपना जोर लगा के पैसा लगाया, धन दौलत सब कुछ लगा के और अपनी जनेऊ की दुहाई दे करके और सारे लोग खड़े होने का काम किया, गुमराह करने का काम किया। और जब वो गुमराह किए तो तमाम बैकवर्ड के लोग भी अंतिम दिन गुमराह होकर के और अपने वोट को समाजवादी पार्टी की तरफ ट्रांसफर करने का काम किया। यूपी में इस बार का रिजल्ट चौंकाने वाला रहा, क्योंकि 80 में से 37 सीट अकेले समाजवादी पार्टी ने जीत ली। बीजेपी को 33 सीट मिली, एसपी की सहयोगी कांग्रेस को 6 सीट, जबकि बीजेपी के सहयोगी आरएलडी 2 और अपना दल 1 सीट पर चुनाव जीते। आजाद समाज पार्टी को भी 1 सीट मिली और इस हिसाब से यूपी में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, जबकि बीजेपी ने यूपी में जीत के लिए इस बार 80/80 का टारगेट सेट किया था। अब सवाल ये है कि यूपी में बीजेपी की इतनी बुरी हार हुई क्यों और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? लखनऊ के बीजेपी दफ्तर में पहुंचे पार्टी के कार्यकर्ताओं से वीरेश पांडे ने बात की तो चौंकाने वाली बात सामने आई। इलाके में तो जो मंत्री हैं उनकी हार हो गई। हार के लिए समाज जिम्मेदार है, समाज भी जिम्मेदार है, कुछ नेता भी जिम्मेदार हैं, कुछ उनकी कार्यशैली जिम्मेदार है। भाई बड़ी बड़ी गाड़ियों में हूटर बजाते हुए चल रहे हैं, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल यही हुआ है, इसी वजह से ये सब हुआ है। नेताओं ने जिस तरीके से काम किया है उसका खामियाजा तो भुगतना। हाँ, नेताओं ने कुछ गद्दारी की है। हाँ। मिलकर आपके अंदर भी तो खामियां रही। खामियां प्रशासन। हाँ। अगर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ है तो शासन प्रशासन के लोगों ने कार्यकर्ताओं की नहीं मानी। भारतीय जनता पार्टी को कहीं हराने का कार्य किया है तो ओनली प्रशासन प्रशासन प्रशासन, चाहे वो पुलिस का प्रशासन रहा हो, चाहे वो तहसील का प्रशासन रहा हो, चाहे वो ब्लॉक का प्रशासन रहा हो, इन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी थी। साधु बाबा क्या रहा ये सब? भाजपा की जो हार है, पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं, बताएंगे ना सब कुछ। विधायक लोग नेता लोग ने कमी रहे इसमें तो हार भर का सब जिम्मेदारी ले उनके एमपी विधायक ने कमी है। क्या है दिक्कत? क्या है? पार्टी के नेता मदद नहीं करते हैं और उनके पास जाओ कुछ होगा नहीं, पैसे ले लेते हैं आदमियों से और समाजवादी पार्टी की मदद करते हैं और हमारी लोगों में मदद ही नहीं करते, फिर कहते वोट नहीं मिला। अच्छा, समाजवादी पार्टी की मदद भाजपा वाले कर? भाजपा के नेता करते हैं, सभी करते हैं, एक भी ऐसा नहीं जो मदद ना करता हो भाजपा। मैनपुरी में? मैनपुरी में किसी की तीर गई नहीं, वो नेता लोग हैं। केवल गांव में एक जगह गए, बाकी लौट आए।
हम लोग यहाँ आए हैं केवल मोटरसाइकिल से आए हैं मैनपुरी से यहाँ, और कोई हमारी नहीं सुनना है। ये लोग पार्टी के नेताओं से लेकर उम्मीदवारों तक पर सवाल खड़े कर रहे हैं और ये आरोप पहले भी लगते रहे हैं। पार्टी के सांसद जनता से दूर हो गए थे। यूपी बीजेपी ने हार की समीक्षा के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है जिसमें हर दो लोकसभा पर एक टीम का चयन किया गया है। इस टीम में एक प्रदेश का पदाधिकारी और एक पूर्व विधायक है जो हारे हुए क्षेत्रों में जाकर हार के कारणों की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही ये उन इलाकों में भी जाएंगे जहां पार्टी जीती तो है लेकिन जीत का अंतर कम है। ऐसे में जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर संबंधित पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आज जो बैठक लखनऊ में हुई है उसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने तल्ख तेवर दिखाए हैं। संगठन के पदाधिकारियों से पूछा गया है कि चुनाव के दौरान जो रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को आप लोगों की तरफ से दी जा रही थी उसमें जमीनी हकीकत का जिक्र था या नहीं। लगातार जो लिफाफे में जो रिपोर्ट दी जा रही है, जो लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उस क्या है भैया? उत्तर प्रदेश की तो आपको भी जानकारी है, जगह जगह आप भी गए हैं, तो अगर हमको जानकारी पढ़ने करने भी तो आपसे ही बात करनी पड़ेगी। कहीं कहीं तथ्य तो लोगों के पास है ना, तो जो लोगों के पास तथ्य है उसको संकलित करेंगे और संकलित करके समाधान की कोशिश करेंगे। बता दें कि यूपी में अगर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर लेती, यानी 2014 और 2019 का ही प्रदर्शन दोहरा लेती, तो नतीजे चौंकाने वाले होते। लेकिन हर कोई मुगालते में रहा, नतीजा ये हुआ कि रिजल्ट पलट गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 43% वोट मिले थे और 71 सीटों पर पार्टी जीती थी। 2019 के चुनाव में उसे 50% वोट मिले लेकिन जीत 62 सीटों पर हुई। 2024 में वोट 41% मिले और सीटें घटकर 33 रह गई। अब सूत्रों के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक हारे हुए उम्मीदवारों ने कुछ स्थानीय विधायक और जिला संगठन की शिकायत की है, साथ ही विपक्ष के आरक्षण कार्ड को ही हार का बड़ा फैक्टर माना है। आज बैठक में परिणामों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में उन परिणामों की समीक्षा की है और ये तय किया है अपने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को लोकसभा के अनुसार प्रवास लगाकर उन सब विषयों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। उन सारी सूचनाओं को जानकारी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, मोदी जी की गारंटी है, हम सब लोग उसे मिलकर पूरा करेंगे। अब पार्टी की समीक्षा के बाद जो सवाल सामने हैं वो ये कि क्या संगठन ने अपना रोल नहीं निभाया? क्या पार्टी का संगठन बटा हुआ था? क्या कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ था? क्या पार्टी के कुछ लोगों ने विरोध में काम किया? क्या टिकट बंटवारा सही तरीके से नहीं हुआ? क्या केंद्र और राज्य सरकार के बीच कोई खाई है? अब बंद लिफाफे में हारे हुए उम्मीदवारों की तरफ से जो रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को दी जा रही है उसके बाद इन सवालों का जवाब सामने आएगा। यूपी की हार हैरान करने वाली है क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान यहीं पर हुआ है। अब अगर सत्ता विरोधी लहर होती तो इसके बगल में मध्य प्रदेश, दिल्ली और बिहार में इसका असर देखा जा सकता था, लेकिन कोई ऐसा उलटफेर इन राज्यों में नहीं हुआ। तो इसीलिए सबसे बड़ा सवाल यूपी की हार पर खड़ा हो रहा है। हार का रीजन वाइज विश्लेषण करें तो 2019 की तुलना में पश्चिमी यूपी में बीजेपी को 6 सीटों का घाटा हुआ, अवध में 9 सीटों का नुकसान, पूर्वांचल में 11 सीटों का और बुंदेलखंड में 3 सीटों का नुकसान हुआ। हार का आलम ये रहा कि अयोध्या जैसी हाई प्रोफाइल सीट भी बीजेपी हार गई। वाराणसी में मोदी की जीत का अंतर कम हो गया। मोदी सरकार के 7 मंत्री चुनाव हार गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव नतीजों के बाद आरएसएस आक्रामक है। अब तक तो दबी जुबान में, यूं कहिए कि इशारों में निशाना साधा जा रहा था, लेकिन अब संघ के इंद्रेश कुमार ने सीधे तौर पर जो कहा है उसने सियासी भूचाल ला दिया है। इंद्रेश कुमार ने अहंकार शब्द का इस्तेमाल किया है। इस बयान पर सियासत तेज है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि इंद्रेश कुमार ने निजी हैसियत से यह बयान दिया। उनका बयान आरएसएस का आधिकारिक बयान नहीं है।
2024 के चुनावी नतीजे आ गए। मोदी ने लगातार तीसरी बार अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ भी ले ली। पीएम मोदी समेत सभी मंत्रियों ने काम भी संभाल लिया, लेकिन चुनावी परिणाम पर घमासान, हमने का नाम ही नहीं ले रहा। पार्टी में भक्ति की अहंकार आया, उस पर 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। ये हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े नेता इंद्रेश कुमार। इंद्रेश कुमार के इस बयान ने सियासत में नया भूचाल ला दिया। दिल्ली से लेकर बंगाल तक, बिहार से मुंबई तक, हर गांव, कस्बे, शहर में इसी बयान की गूंज है। अभी मोहन भागवत के मणिपुर हिंसा पर दिए बयान की चर्चा थमी भी नहीं थी कि अब इंद्रेश कुमार के बयान ने बवाल मचा दिया। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया, और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर एक इन्होंने नंबर दो पर खड़े कर दिए। इसलिए जिस पार्टी में भक्ति की अहंकार आया उस पर 241 पर रोक दिया। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। इंद्रेश कुमार ने अपने बयान में बीजेपी और विपक्ष को एक साथ घेरा, लेकिन इस बयान को सुनते ही हाई जोश से लबरेज विपक्ष को मानो नई उड़ान मिल गई। विपक्ष से प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। दूर आते आते बहुत देर कर दी, अहंकार आज दिख रहा है आपको। मोहन भागवत जी की हमने कुछ टिप्पणियां भी सुनी थी, ये बीज तो आपने ही बोए थे, बोते बबूल हो, फिर आप सोचते हो उस वृक्ष से आम निकलेंगे, तो वो तो हो नहीं सकता। ये अपेक्षा है आरएसएस, आने वाले दिनों में आपका यही रुख रहेगा, और जो सत्ता पर बैठा है अहंकार की शिरोमणि, आप उनको जल्दी ही उस सत्ता से दूर करने की कोशिश करेंगे। आरएसएस का पूरा एजेंडा देश के सामने आ गया, तो आरएसएस अब अपनी नाक बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला कर रही है। मगर मैं देश वालों को बताना चाहता हूँ, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी एक हैं। ये जो ज्ञान दिया जा रहा है, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए दिया जा रहा है। राम द्रोही कोई नहीं है इंद्रेश जी, थोड़ा नजरिया बदलिए। मर्यादा पुरुषोत्तम की उस छवि को हम मानते हैं जिसे बापू मानते थे। हम चुनावी राम भक्त नहीं होना चाहते। मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र को अगर देखेगा तो आपको ये 241 वाले मीलों दूर नजर आएंगे। वैसे इंद्रेश के बयान से एनडीए में शामिल दल भी सहमत नहीं, खासतौर पर बिहार से इस पर तीखी प्रतिक्रिया भी आई। आरएसएस को पहले ये तय करना चाहिए कि क्या वो पॉलिटिकल पार्टी बनना चाहते हैं, क्यों पॉलिटिकल कमेंट वो कर रहे हैं, लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन आप किसके अहंकार पे सवाल उठा रहे हैं, किस पे सवाल? इंद्रेश जी, मैं जानता हूँ उनको, मेरे अच्छे संबंध हैं उनसे, ये सब कहना सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो उसको समीक्षा करने देनी चाहिए। दरअसल इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। 2019 में 303 सीटों पर कमल खिलाने वाली बीजेपी इस दफा 240 सीटों पर ही सिमट गई। हालांकि एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला और बीजेपी की अगुवाई में तीसरी बार एनडीए सरकार बनने में कोई दिक्कत नहीं आई। बीजेपी के लिए भी लगातार संघ के बाउंसर से बचना मुश्किल होता जा रहा है। बीजेपी इस मुद्दे पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है और इंद्रेश के बयान पर विपक्ष को ही घेरती नजर आ रही है। इतनी भारतीय जनता पार्टी को सीट मिली है 240 सीट, उतना कांग्रेस का तीन चुनाव का भी अगर काउंट करें तो लोग नहीं पहुंचते हैं, और आज वो लोग बड़ी बड़ी बात करेंगे तो ये ठीक नहीं। संजय राउत की औकात नहीं है राष्ट्रीय स्वयं संघ के बारे में बोलने की। राष्ट्रीय स्वयं संघ ने फिर उद्धव जी को और उनके पार्टी को भी हिंदुत्व के बारे में बहुत सारे सलाह दिया था, एडवाइस दिया था, वो मानी क्या?
बीजेपी भले ही संघ पर पलटवार न कर पा रही हो, लेकिन राम मंदिर से इंद्रेश के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया जरूर है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी खुलकर बीजेपी के समर्थन में आ खड़े हुए। इंद्रेश जैसे विचारक जो आरएसएस में हैं, उन लोगों ने सहयोग नहीं दिया कि 500 वर्षों के जो विवाद रहा उसको समाप्त किया और राम मंदिर का निर्माण कराया। इतनी बड़े कार्य करने वाली भाजपा को और वो असफल कहते हैं, अभिमानी कहते हैं, उनके स्वयं समझदारी नहीं है। उनके वस्तुतः जो बोल रहे हैं वो गलत है, वास्तविकता है यह नहीं है। इससे पहले नागपुर में संघ के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने मणिपुर के मुद्दे पर इशारों ही इशारों में मोदी सरकार को नसीहत दी थी। साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा, पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है, कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। इसके बाद संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने अजीत पवार को साथ मिलाने पर सवाल उठाते हुए लेख छप गया, जिस पर महाराष्ट्र की सियासत से खटपट की खबरें खुले तौर पर सामने आने लगी। वैसे संघ की तरफ से आ रहे बयानों को बीजेपी चीफ जेपी नड्डा के बयान से भी जोड़ कर देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव के दौरान एक अंग्रेजी न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में जेपी नड्डा ने संघ की जरूरत को ना के बराबर बताया था और इस पर चुनाव के दौरान काफी चर्चा हुई थी। आरएसएस और बीजेपी के बीच चल रही तनातनी के बीच बड़ी खबर यह है कि आरएसएस ने चुनाव के नतीजों के बाद समन्वय बैठक बुलाई है। केरल के पलक्कड़ में होगी यह समन्वय बैठक। 31 अगस्त से 2 सितंबर तक ये बैठक होगी। बीजेपी सहित संघ के सभी संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और समीक्षा की जाएगी। 31 अगस्त से 2 सितंबर तक केरल के पलक्कड़ में यह बैठक होगी। लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र में मिली हार को लेकर बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। आज पार्टी नेताओं की बीजेपी दफ्तर में बैठक हुई और हार के कारणों पर चर्चा की गई। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पार्टी ने सभी 48 सीटों पर जीत हार की समीक्षा के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। ये लोग महीने भर में अपनी रिपोर्ट पार्टी प्रमुख को देंगे। बैठक में पार्टी नेताओं ने कहा कि हम मन से नहीं हारे हैं, वोट प्रतिशत और सीट में भी नहीं हारे हैं, नेगेटिव परसेप्शन से हारे हैं जिसे काउंटर कर बाउंस बैक करेंगे। चुनाव नतीजों के बाद महाराष्ट्र में भी हार के कारणों की तलाश हो रही है। मुंबई में बीजेपी की समीक्षा बैठक में प्रदेश के तमाम बड़े नेता और संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। ये तस्वीरें उसी बैठक की हैं। इस बार बीजेपी को महज 9 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, एनडीए को 17, इंडिया को 30 और निर्दलीय को 1 सीट मिली है। यूपी के बाद बीजेपी को सबसे ज्यादा कहीं नुकसान हुआ है तो वो महाराष्ट्र ही है। सवाल ये है कि बीजेपी महाराष्ट्र में क्यों हारी? आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लिखा गया है, महाराष्ट्र में जो राजनीतिक प्रयोग किया गया उसकी जरूरत नहीं थी। एनसीपी का अजीत पवार वाला गुट बीजेपी के साथ आ गया, जबकि बीजेपी और विभाजित शिवसेना के पास पर्याप्त बहुमत था। एनसीपी में चचेरे भाई बहनों में जिस तरह की कलह चल रही है उससे शरद पवार 2-3 साल में ही फीके पड़ जाते। ऐसे में अजीत पवार को लेने का अविवेकपूर्ण कदम क्यों उठाया गया? बीजेपी ने एक झटके में अपनी ब्रांड वैल्यू कम कर दी। सीधे तौर पर आरएसएस ने महाराष्ट्र में हार के लिए अजीत पवार की पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। इसके जवाब में अब एनसीपी के नेता छगन भुजबल पलटवार किया है। अब उससे कैसे आप बोल सकते हैं कि 48 सीटों पर परिणाम हुआ? हमको तो 2 ही सीट मिले सही मायने में लड़ने के लिए। दूसरी बात, ये मानता हूँ कि थोड़ी सी जो है पीछे हट हुई है, मगर ये देश में दूसरे राज्यों में भी तो ये हुआ है। कोई भी बोल नहीं रहा था कि ऐसा यूपी में इतने पीछे बीजेपी आएगी, मगर आ गई। तो उसके कारण जो है ये सिर्फ अजीत पवार गठ ये है, ये कहना मैं वाजिब नहीं समझता हूँ। महाराष्ट्र में बीजेपी 28 सीटों पर लड़कर 9 सीट जीती। शिंदे की शिवसेना 15 सीटें लड़कर 7 सीटें जीत पाई। अजीत पवार की एनसीपी 4 सीटों पर लड़कर सिर्फ 1 सीट जीत पाई, जबकि आरएसपी
एक सीट पर लड़ी लेकिन हार गई। जबकि 2019 की लोकसभा चुनाव में भाजपा और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का गठबंधन था, तब शिवसेना में कोई बंटवारा नहीं हुआ था। उस चुनाव में भाजपा ने 25 सीट लड़कर 23 सीटों पर जीत हासिल की थी और शिवसेना ने 23 सीटों लड़कर 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार भाजपा सबसे ज्यादा सीट इस चुनाव में लड़ी सही, पर जीत हासिल नहीं कर पाई। साथ ही साथ में 1.5% वोट शेयर भी भाजपा का गिर गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 27.84% वोट मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में आंकड़ा 26.18% रह गया। दो दिन पहले ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में एनडीए की हार के लिए 400 वाले नारे पर ठीकरा फोड़ा था। कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है, महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। फिलहाल हार के बाद तरह तरह की आवाजें आ रही हैं। वैसे एक बात जो पहले से सामने आ रही थी वो ये कि इस बार महाराष्ट्र में एनडीए को नुकसान हो सकता है। तमाम सर्वे इस तरफ इशारा कर रहे थे, बावजूद इसके बीजेपी ने उस हिसाब से ठोस रणनीति नहीं बनाई और नतीजा सामने है जिस पर मंथन हो रहा है। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, ऐसे में भाजपा के सामने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की बड़ी चुनौती होगी। हार के बाद आरोपों का दौर शुरू हो गया है, यह भाजपा के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर पहले ही नाराजगी सामने आ चुकी है, तो देखिए महाराष्ट्र की सियासत में आगे आगे क्या क्या होता है। G7 के मेहमानों का नमस्ते से स्वागत। भारतीय संस्कृति से प्रभावित दिखी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, वीडियो हो रहा है वायरल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कभी भी गिर सकती है एनडीए सरकार, पीएम मोदी के पास नहीं है जनादेश। ये गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है, मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है, ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। ललन सिंह केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे पटना, स्वागत में नहीं पहुंचे पार्टी के कार्यकर्ता। बनता आदमी स्वागत गुलदस्ता के लिए कि मंत्री बनता है काम करने के लिए। पटना पहुंचकर ललन सिंह ने तेजस्वी पर बोला हमला, तेजस्वी के कमजोर मंत्रालय वाले बयान पर बोले सिक्का टूटने का इंतजार करे तेजस्वी। बिलाई के भाग से सिक्का नहीं टूटता है, वो सिक्का टूटने के इंतजार में बैठे। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जोरदार स्वागत, गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया सम्मानित। मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने कहा विधानसभा चुनाव में एकजुट रहेगा महाविकास आघाड़ी, तीनों दल साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने गिर सोमनाथ में सोमनाथ मंदिर में किए दर्शन, पत्नी भी साथ थी मौजूद। केंद्रीय मंत्री ज्वेल ओराम ने जनजातीय मामलों के मंत्री के तौर पर संभाली जिम्मेदारी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और परीक्षा पर पॉलिटिक्स की बात करते हैं। नीट परीक्षा को लेकर सियासत गर्म है, देश के अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और परीक्षा रद्द करने की मांग कर दी है। इस बार हम लोग के साथ इतना इनजस्टिस हुआ है। स्टूडेंट को जस्टिस चाहिए। नीट की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक लड़ी जा रही है। ये तस्वीरें राजस्थान के कोटा की हैं, जहां NSUI ने प्रदर्शन किया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के दफ्तर के बाहर हुए इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। प्रदर्शन की ऐसी ही तस्वीरें देश के कई हिस्सों से आईं। हर तस्वीर और सीधे प्रभावित छात्रों की बात आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले बात उस विवाद की जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। CBI की जांच कराओ।
धांधली की शिकायत कर रहे छात्र पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। नीट परीक्षा में पेपर लीक की सीबीआई जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर एनटीए से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख तय की। कोर्ट ने आज फिर काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक की सीबीआई जांच की याचिका को खारिज नहीं किया गया है। वहीं आज कोर्ट में एनटीए की तरफ से दायर उस याचिका पर भी सुनवाई हुई, जिसमें नीट से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही करने की मांग की गई है। कोर्ट ने इस मामले में याचिका दायर करने वाले छात्रों से जवाब मांगा है। इस मामले की सुनवाई भी 8 जुलाई को होगी। इमीडिएट डेट इज न्यू शेड्यूल और दोबारा एग्जाम हो। तीसरा है जो एफआईआर रजिस्टर हुई है उसकी इंक्वायरी हो, एसएटी फॉर्म की जाए 141 और 142 कॉन्स्टिट्यूशन में, कि एक तो पेपर लीक ना हो, ऐसे सरकना की गया 67% के 720 के 720 कैसे आ जाएंगे। और कुछ कैंडिडेट्स सेम जगह के हैं, उसमें नॉन मेरिटरी स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो जाएंगे, क्या फ्यूचर होगा हमारी कंट्री का एज ए हेल्थ। एक तरफ कोर्ट कचहरी में मामला पहुंच गया है तो दूसरी तरफ नीट परीक्षा पर सियासत की घेराबंदी भी चालू है। चुनाव के बाद से ही विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार पर लगातार सवाल उठा रहा है। 24 लाख बच्चों का भविष्य इसमें जुड़ा हुआ है, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। जवाबदेही का जो एक संस्कृति थी इस देश में, वो संस्कृति अब आपको बिल्कुल नहीं दिखती। चलिए इस्तीफा आप नहीं दे रहे, यूपीए के शासनकाल में सिर्फ आरोप लगते थे, बाद में झूठे भी साबित हो गए, आरोप लगते थे और इस्तीफा हो जाता था, जवाबदेही थी। आज वो मंत्री मुस्कुराते हुए आरोप हम पर सब पर लगाता है, इस देश के नागरिकों पर लगाता है कि मोटिवेटेड प्रोटेस्ट हो रहा है। कांग्रेस ने तो सत्ताधारी गठबंधन एनडीए का नाम ही नीट डिजास्टर अलायंस रख दिया है। कांग्रेस को इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों का समर्थन भी मिल रहा है। ये नीट के एग्जाम का घोटाला है और मैं समझता हूं इसमें केंद्र की मोदी सरकार सीधे तौर पे जिम्मेदार है। 720 अंक पाकर 67 बच्चे टॉप कर रहे हैं, क्या ये संभव है? एक ही सेंटर से एक ही कोचिंग सेंटर से 6 बच्चे टॉप कर गए, इसका मतलब घपला किया गया। उन बच्चों की आंखों में देखा धर्मेंद्र प्रधान जी ने, आंखों में सबूत, केंद्रों पे सबूत। मैं तो अव्वल ये कहता हूं कि ये पूरा का पूरा फार्स है और एनटीए नाम की संस्था के गंभीर मूल्यांकन की आवश्यकता है। विपक्ष जानता है कि मामला युवाओं से जुड़ा है, इसलिए हर छोटा बड़ा नेता इस मुद्दे पर छात्रों के समर्थन में दिखना चाहता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर सवालों की लंबी लिस्ट डाली है। खड़गे ने पूछा कि आखिर बिहार में 13 आरोपियों को पेपर लीक के चलते गिरफ्तार क्यों किया गया? इसके अलावा गुजरात के गोधरा में नीट यूजी में धोखाधड़ी करने वाले रैकेट की बात खड़गे ने अपने ट्वीट में लिखी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अंकित गुप्ता से बात करते हुए कहा कि किसी बच्चे के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, हमारी प्रक्रिया पूरी पारदर्शी है, जहां गड़बड़ी सामने आ रही है वहां कार्रवाई भी हो रही है। आज नीट के छात्रों ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, जिम्मेदारी संभाली और उसी के साथ में एक ऐसे विवाद में फंसे हुए हैं जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। धर्मेंद्र जी, जिम्मेदारी संभालते ही सबसे पहले आपके सामने जो विवाद आया है नीट का, जिसमें 24 लाख छात्रों का भविष्य अधर में है। नहीं, कोई अधर में नहीं है। मैं आपको निवेदन करूंगा, मैं आश्वस्त करूंगा सारे विद्यार्थियों को, इस बार 23,33,000 विद्यार्थी परीक्षा दिए थे, नीट का रिजल्ट आ गई है। उनमें से कुछ विसंगति सामने आई थी, 6 सेंटर में कम समय मिलने के कारण वहाँ की लोगों की मन में अस्वस्थता थी। एनटीए ने कुछ एक फॉर्मूला बनाया, उसको भी लेके एक प्रसंग आई कि उसमें से कुछ एनोमलीज ध्यान में आया। फिर एक अल्टरनेटिव फार्मूला सुप्रीम कोर्ट ने कल आदेश दे दिया है कि उसी हिसाब से उन सेंटर के बच्चों को रीटेस्ट करने की अनुमति दिया जाए। जो लोग पुराने मार्क्स में रहना चाहेंगे वो रह सकते हैं, या जो लोग नए परीक्षा दे के मार्क्स लेना चाहेंगे ले सकते हैं। बाकी एक दो सेंटर्स की कुछ अनामोलिस की ध्यान आ रही है। ये सारा विषय इन दिनों में सुप्रीम कोर्ट के सामने है।
सारा पक्ष सुप्रीम कोर्ट ने भी भारत सरकार को नोटिस किया है, एनटीए को भी नोटिस किया है। भारत सरकार की ओर से हम सारा तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। एनटीए भारत सरकार आश्वस्त करता है, कोई भी कितना बड़े उच्च व्यक्ति हो, अगर कहीं किसी की जिम्मेवारी में गड़बड़ी करने की संज्ञान आएगी, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। विद्यार्थियों के मन में अश्वस्त, मैंने आज विद्यार्थियों को मिला भी, उनके अभिभावकों को भी मिला, मैंने अश्वस्त किया और उनकी उनकी जो समस्या है उनके बारे में मैंने उनका एंजाइटी क्या है, उनकी कंसर्न क्या है, उसको भी मैंने समझा। आप कह रहे हैं कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन जो है मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री व एनटीए द्वारा नीट घोटाले की लीपापोती शुरू कर दी गई है। गुजरात और पटना में जो मामले सामने आए हैं वो जो है नजरअंदाज किए जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट देख ही रहा है ना। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अफवाह फैलाने की जिम्मेवारी है, वो अपना काम करते रहिए, वो करें, हमें उसमें से बहुत टिप्पणी देना नहीं है। हम विद्यार्थियों के लिए चिंतित है, विद्यार्थियों के लिए आत्मविश्वास ना गिरे। इस बीच में सिलेबस, परीक्षा की पद्धति, नए सेंटर्स खुलना, इसी साल हमने 600 से ज़्यादा नए सेंटर खुले हैं, 72 नए शहर में गए हैं। सिलेबस को एनसीईआरटी जैसे कम बोझिला किया, ऐसे ही इस बार भी परीक्षा में बोझिला कम करवाया गया है। परीक्षा के क्वेश्चन सब 12वीं की स्तर पे हो, जिसमें जो एक लार्जर प्रश्न है, परीक्षा की बोझ के कारण बच्चे जब अपने जान गंवा देते तब सब चिंतित होती हैं। कुछ रिफॉर्म सरकार ने किया है जिसमें से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं और ज्यादा उत्साह बढ़ा है। तो आप कि 67 जो बच्चे ने टॉप किया है उसकी वजह क्योंकि पेपर जो है इजी आया था, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो छात्रों के जहन में भी संशय है, डाउट है, वो ये कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, वरना इतने सारे बच्चे 720 में से 720 नंबर कैसे ला रहे हैं। देखिए पिछले दिनों में भी टॉपर बच्चे अच्छे नंबर पे होते थे, इस बार ये 61 हुए हैं, जो ग्रेस मार्क मिलने के कारण 6 बच्चों के नाम जुड़ा था। अभी जब ग्रेस मार्क की फॉर्मूला बदल जाएगा और कॉम्पीट करके उसमें से कोई आ जाएगा तो आ जाएंगे, नहीं तो 61 ही है। निश्चित रूप में मैं कहूँ सिलेबस को क्या बच्चों को अपने जान गंवाने देना चाहिए था, क्या उनकी परीक्षा को सरलीकरण नहीं करना चाहिए था, क्या कम बोझिला नहीं करनी चाहिए था, कि बच्चे अच्छे क्यों कर गए, हमको तो खुशी होनी चाहिए, आप उसमें ही सवाल या निशान लगा रहे हो। क्या सुबह बच्चों को फिर हम अपने तनाव में धकेल देते हैं क्या? ये तो सारे सार्वजनिक हुए, पारदर्शी हुई है। ग्रामीण इलाका के बच्चे आए हैं, भाषा के आधार में बच्चे एंट्रेंस देना शुरू किए हैं, उसमें इसके पीछे कौन है? आप थोड़ा देखिए उन जो पेटिशनर सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में कौन है ये लोग? बहुत सारी जो है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनसे जुड़े हुए अभिभावक हैं, क्या विद्यार्थी हैं, क्यों इतना चिंतित हो जाते हैं? क्या जनवरी महीने में जो एक एडवाइजरी दिया गया है कैसे चलेगा? क्या देश की मिजाज क्या था? देश चिंतित था, देश की जो अरे सिनेमा चल पड़ी उनके नाम पे, ये जो कंसर्न है, ये इनके पीछे कौन है? सरकार सारे चीज़ों को ध्यान से देख रही है और मैं आश्वस्त करता हूँ, मेरे पहला चिंता मेरे विद्यार्थी है। और अब बात राहुल गांधी के फ्यूचर प्लान। राहुल गांधी 2 सीट से चुनाव जीते हैं और अब खबर है कि राहुल रायबरेली की सीट रखकर वायनाड की सीट छोड़ सकते हैं। चर्चा इस बात की भी है कि राहुल की जगह प्रियंका चुनाव लड़ सकती। जीत के बाद राहुल गांधी बुधवार को पहली बार वायनाड पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं ने उनका शानदार स्वागत किया और राहुल गांधी भी पूरे रंग में नजर आए। हेलो, क्या बना रहे हैं? उस दिन राहुल गांधी ने मंच से बयान दिया कि वो धर्म संकट में हैं, कि कौन सी सीट रखें और कौन सी सीट छोड़ें। Now I have a dilemma in front of me. The question is, will I be member of parliament of Wayanad or will I be member of parliament of Raebareli? I will commit to you is that both Wayanad and Raebareli will be happy with my decision. अब धीरे धीरे ये बात सामने आ रही है कि राहुल गांधी उत्तर भारत में कांग्रेस को धार देने के लिए रायबरेली की सीट रख सकते हैं। एबीपी न्यूज ने रायबरेली के लोगों से बात की तो सबकी यही राय थी। राहुल बने रहे या फिर प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़े, क्या आपका कहना है? हमारा कहना तो ये कि राहुल अगर यहां से चुनाव लड़े हैं तो राहुल यहां पे बने रहें। जनता ने उन पे भरोसा करके उन्हें वोट देकर जितवाया है, तो अब उनका यहां से छोड़ के जाना कहीं ना कहीं जनता को एक निराशा पूर्वक
स्थिति में रहेगा। राहुल को यहाँ रहना चाहिए, अगर राहुल यहाँ छोड़ते हैं तो रायबरेली का अपमान कर रहे हैं। आगे प्रियंका के लड़ने में क्या होगा ये स्थिति पर विचार करना पड़ेगा। रायबरेली के आम लोगों के साथ ही कांग्रेस से जुड़े नेता और पदाधिकारी भी चाहते हैं कि राहुल रायबरेली से ही सांसद रहे। गांधी परिवार का रायबरेली से नाता सन 1921 के किसान आंदोलन से है, तो रायबरेली के लोगों की ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी कि राहुल जी ही यहाँ से सांसद बन रहें। रायबरेली ने पूरे मान और सम्मान के साथ इस परिवार के अपनी परंपरा को निभाया है और रिकॉर्ड मतों से राहुल जी को जिताया है, तो हम सबको भरोसा है कि राहुल जी रायबरेली ही रहेंगे। हम लोग भी चाहते हैं कि गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति यहाँ से सांसद रहे। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गांधी परिवार का रायबरेली से रिश्ता सालों पुराना है। 56 साल इस सीट पर गांधी नेहरू परिवार का कब्जा रहा है। 1952 से 1960 तक फिरोज गांधी, 1966 से 1977 तक इंदिरा गांधी, 2004 से 2024 तक सोनिया गांधी यहां से सांसद रही और अब राहुल गांधी चुनाव जीते हैं। राहुल गांधी की जीत के लिए बहन प्रियंका गांधी ने रायबरेली में खूब मेहनत की और अब अगर केरल की वायनाड सीट राहुल गांधी छोड़ते हैं तो फिर चर्चा इस बात की होने लगी है कि क्या प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगी। राहुल ने बुधवार को जो बयान दिया उसमें इसके संकेत मिले थे। I will commit to you is that both Wayanad and Raebareli will be happy with my decision. और अब वायनाड से जो तस्वीरें आ रही हैं, उसमें भी वायनाड की विरासत बहन को देने की मांग हो रही है। सोशल मीडिया पर ये पोस्टर चर्चा में है जिसमें राहुल से मांग की जा रही है कि आप वायनाड छोड़ते हैं तो प्रियंका को मौका दें। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अमेठी और वायनाड यानी दो सीटों से चुनाव लड़े। अमेठी से हारे लेकिन वायनाड से जीत गए। बीते 5 सालों से राहुल वायनाड से सांसद हैं। इस बार राहुल वायनाड के साथ साथ रायबरेली से भी चुनाव लड़े हैं। संभावना यही है कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ेंगे और ऐसी स्थिति में प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि यदि प्रियंका तैयार नहीं हुई तो पार्टी सूत्रों के मुताबिक किसी स्थानीय व्यक्ति को कांग्रेस वायनाड से मौका दे सकती है। हालांकि प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़ती हैं और जीतकर संसद पहुंचती हैं तो फिर बीजेपी को परिवारवाद के बहाने हमले का मौका मिल जाएगा। वैसे एक सच्चाई ये भी है कि सदन में सोनिया गांधी और राहुल गांधी सालों से मौजूद हैं। फिलहाल प्रियंका की चर्चा के बहाने बीजेपी अभी से ही निशाना साध रही है। देखिए, आज मैं बता रहा हूँ आपको, अगर रायबरेली राहुल जी छोड़ देते हैं और प्रियंका जी आ जाती हैं तो अब कांग्रेस की लीडर प्रियंका जी होंगी और राहुल ये कभी नहीं होने देंगे। वैसे राहुल कौन सी सीट छोड़ेंगे, प्रियंका चुनाव लड़ेंगी या नहीं, इसका सस्पेंस बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं कि सीट छोड़ने का मुश्किल फैसला राहुल गांधी को ही करना है। उन्होंने कहा कि ऐसा फैसला करेंगे जिससे कि रायबरेली और वायनाड दोनों क्षेत्र के लोग खुश होंगे। अब सस्पेंस ये हो गया है कि राहुल गांधी क्या फैसला करने वाले हैं। व्यक्तिगत मामला है क्योंकि दोनों जगह से उनको भरपूर जन समर्थन मिला है, लेकिन जो बात उन्होंने कही है कि वो ऐसा फैसला लेंगे जिससे दोनों ही क्षेत्र के लोग खुश होंगे, ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस में फिलहाल राहुल की सीट को लेकर मंथन चल रहा है। उत्तर दक्षिण का समीकरण और फायदा नुकसान समझने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी नेता विपक्ष बनने को तैयार नहीं है, जबकि ज्यादातर कांग्रेस सांसद चाहते हैं कि इस बार लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ही बने। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी का मानना है कि संगठनात्मक जिम्मेदारियां भी नेता विपक्ष की तरह ही अहम हैं। यदि राहुल गांधी नेता विपक्ष बनने को तैयार नहीं होते तो फिर केसी वेणुगोपाल, गौरव गोगोई, शशि थरूर, मनीष तिवारी जैसे अनुभवी कांग्रेस सांसदों में से किसी एक को नेता विपक्ष बनने का मौका मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर जानिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सरकार अथवा पीएम मोदी से नाराजगी से इनकार। सरकार या प्रधानमंत्री को लेकर कुछ नहीं कहा गया,
ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कहना है सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो लगातार बयान आ रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे। अब ये बड़ी खबर ये है कि आरएसएस जो है उसने सरकार या पीएम मोदी से नाराजगी से इनकार कर दिया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार या पीएम से को लेकर कुछ नहीं कहा गया है।